हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर टॉप 10 वीडियो। सो गाइस आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को टॉप 10 सिमिलर गेम्स बताने वाला हूँ रेजिडेंट एविल 3 जैसे। सो गाइस वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अभी से लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो चलो यार गाइस बढ़ते हैं अपनी लिस्ट के आने वाले फर्स्ट नंबर के गेम की तरफ, जिसका नाम है स्कॉर्न। सो गाइस ये एक फर्स्ट पर्सन बायोपंक सर्वाइवल हॉरर एडवेंचर गेम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड गाइस इस गेम को बीइंग ट्रू इनटू द वर्ल्ड के आइडिया से डिज़ाइन किया गया है। एंड गाइस गेम में आपको एवरी लोकेशंस की एक थीम स्टोरी देखने के लिए मिलेगी। एंड साथ ही साथ गाइस आपको गेम में काफ़ी सारी वेपन्स भी देखने के लिए मिल जाती हैं, जैसे कि शॉर्ट फ्लिंट शॉर्ट गन, टूल गन, ग्रेनेड लॉन्चर। बाकी का इसी गेम कुछ अलग ही है, मतलब कि और गेम्स के कंपैरिजन में गेम कुछ अलग ही यूनिक सा है। तो गाइस एक बार इस गेम को ट्राई ज़रूर करना। बाकी जो लोग इसको पीसी पर नहीं खेल सकते उनके लिए मैं एंड्रॉयड पर ही लेकर आ चुका हूँ इसी के जैसे सिमिलर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा देने वाला गेम, वो भी एंड्रॉयड पर ही, जिसका नाम है एंडलेस नाइटमेयर 2। गेम का साइज आपको 192 MB देखने के लिए मिलेगा एंड 4.3 की रेटिंग आपको गेम में देखने के लिए मिलेगी। एंड गाइस मेनली गेम में आपको हॉस्पिटल के स्कैरी रूम में से यूजफुल आइटम्स एंड क्लूज को कलेक्ट करना होता है। एंड साथ ही साथ गाइस गेम में आपको काफ़ी ज़्यादा पजल भी सोल्व करनी पड़ती है। एंड गाइस गेम आपको एग्जीक्यूटिव 3D ग्राफिक्स एंड मोस्ट रियलिस्टिक हॉरर विजुअल एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करा देगा। सो गाइस जो लोग हॉरर गेम के लवर हैं वो इस गेम को एक बार जरूर से ट्राई करें। एंड गाइस ये गेम आपको काफ़ी ज़्यादा बेस्ट कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करता है फॉर वेपन्स। जो लोग इस कॉन को पीसी पर नहीं खेल सकते एंडलेस नाइटमेयर 2 को एक बार जरूर से ट्राई करें, यह आपको काफ़ी ज़्यादा सिमिलर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा देगा इस कॉन जैसा। सो गाइस अब बढ़ते हैं अपनी लिस्ट के आने वाले थर्ड नंबर के गेम की तरफ, जिसका नाम है द एविल विदिन। सो गाइस ये एक थर्ड पर्सन सर्वाइवर हॉरर गेम आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड गेम में हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम है सेबेस्टियन कैस्टेलानोस। गाइस गेम में आपको 15 चैप्टर्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड साथ ही साथ गाइस गेम में हमारे प्लेयर के पास एक सेफ हाउस होता है, जिसको गेम में सेफ हेवन कहा गया है। एंड गाइस गेम में आपको रिवॉल्वर, शॉटगन, स्नाइपर राइफल, नाइफ, ग्रेनेड जैसी वेपन्स भी देखने के लिए मिल जाएगी। एंड गाइस अगर आप गेम में 28 मैप के फ्रेगमेंट्स को कलेक्ट कर लेते हो तो आपके पास दो गन केसेस खुल जाएंगे। सो गाइस अब बढ़ते हैं इसी के जैसा सिमिलर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा देने वाले गेम की तरफ, वो भी एंड्रॉयड पर ही, जिसका नाम है द वायरस एक्स। सो गाइस गेम का साइज आपको 87 MB देखने के लिए मिलेगा एंड 4.1 की रेटिंग आपको गेम में देखने के लिए मिलेगी। एंड गाइस गेम में हमारा प्लेयर एक टैलेंटेड पुलिस ऑफिसर होता है, वो भी न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में। एंड गाइस मेनली हमें गेम में इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है कुछ मिस्ट्रीज की जो कि रिसेंटली सिटी में हुई हैं। एंड गाइस गेम में आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट पजल्स भी देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी गाइस इस गेम को रियली काफ़ी ज़्यादा डरावना गेम है भाई मेरे हिसाब से तो, बिकॉज गाइस इसकी साउंड भी काफ़ी ज़्यादा तेज है भाई एंड काफ़ी ज़्यादा इसको खेलने में डर लगता है। जैसे गाइस द इविल विदिन भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है एंड द वायरस एक्स भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। सो जो लोग इविल विदिन को पीसी पर नहीं खेल सकते तो वायरस एक्स को एक बार जरूर से ट्राई करें, यह आपको काफ़ी ज़्यादा सिमिलर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा देगा इविल विदिन जैसा। बट मैं आपको सजेशन दूंगा कि द वायरस एक्स को ईयरफोन या फिर हेडफोन का यूज़ करके ना खेलें। अगर आप मेरी बात ना मानकर हेडफोन और ईयरफोन का यूज़ करते हो तो आपका हाल कुछ ऐसा होने वाला है। गाइज ये सिर्फ मजाक था। सो गाइज अब बढ़ते हैं अपने लिस्ट के आने वाले फिफ्थ नंबर के गेम की तरफ, जिसका नाम है रेजिडेंट एविल 3। तो गाइज ये एक थर्ड पर्सन सर्वाइवल हॉरर गेम आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड गेम में हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम है जिल वैलेंटाइन। एंड गाइज अगर आप इस गेम को हाईएस्ट डिफिकल्टी सेटिंग पे कंप्लीट कर लेते हो तो आपके पास दो एडिशनल डिफिकल्टी मोड्स भी अनलॉक हो जाएंगे। एंड गाइज द प्लेयर कैन एक्वायर एंड यूज मल्टीपल वेपन्स इंक्लूडिंग कॉम्बैट नाइफ्स, फायर आर्म्स एंड ग्रेनेड्स। एंड गाइस सम वेपन्स कैन बी कस्टमाइज विद एडिशनल पार्ट्स। बाकी गाइस इस सीरीज़ के बारे में तो सभी लोग जानते ही होंगे, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर सीरीज़ है। सो गाइस अब बढ़ते हैं इसी की जैसे सिमिलर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा देने वाले गेम की तरफ, वो भी एंड्रॉयड पर ही, जिसका नाम है एविल राइज ज़ॉम्बी रेजिडेंट। सो गाइस ये गेम आपको ईजिली प्ले स्टोर पर मिल जाएगा एंड गेम की रेटिंग आपको 3.8 देखने के लिए मिलेगी। एंड वहीं अगर हम बात करते हैं साइज की तो वह 104 MB एंड एक थर्ड पर्सन शूटर ज़ॉम्बी गेम आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ गेम में आपको काफ़ी सारी वैरायटीज़ के ज़ॉम्बीज एंड मॉन्स्टर्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे और साथ ही साथ गेम में आपको मल्टीप्लेयर लूप मोड भी देखने के लिए मिल जाएगा। एंड गाइस गेम में आपको लोड्स ऑफ वेपन्स एंड करेक्टर्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। सो गाइस जो लोग रेजिडेंट एविल 3 को पीसी पर नहीं खेल सकते एविल राइज ज़ॉम्बी रेजिडेंट को एक बार जरूर से ट्राई करें, आपको काफ़ी ज़्यादा सिमिलर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा देगा रेजिडेंट एविल 3 जैसा। सो गाइस अब बढ़ते हैं अपने लिस्ट के आने वाले सेवंथ नंबर के गेम की तरफ, जिसका नाम है लिटिल होप। सो गाइस एक थर्ड पर्सन इंटरेक्टिव ड्रामा सर्वाइवल हॉरर गेम आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड गेम आपको सिंगल प्लेयर मोड्स एंड मल्टीप्लेयर मोड्स देखने के लिए मिल जाएंगे। गाइस गेम में हमारे मेन 5 कैरेक्टर्स होते हैं जो कि गोस्ट टाउन ऑफ लिटिल होप में ट्रैप्ड होते हैं। एंड गाइस गेम को आप
मल्टीपल टाइम्स खेल सकते हो एंड इस गेम में आपको मल्टीपल एंडिंग्स भी देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी गाइस ये गेम भी काफ़ी ज़्यादा हॉरर है, तो गाइस जब बढ़ते हैं इसी के जैसा सिमिलर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा देने वाले गेम की तरफ, वो भी एंड्रॉयड पर है जिसका नाम है डिटेंशन। इस गेम के साइज आपको 718 MB देखने के लिए मिलेगा, साथ ही साथ 4.5 की रेटिंग के साथ आपको गेम देखने के लिए मिलेगा। सो बेसिकली गाइस एक स्टोरी ड्राइवन एटमोस्फेरिक हॉरर गेम आपको देखने के लिए मिलेगा एंड ये गेम आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस का सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि इंग्लिश, चाइनीज, जापानीज एंड कोरियन। एंड गेम में आपको अपीलिंग ग्राफिक्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी गाइस ये गेम भी रियली काफ़ी ज़्यादा हॉरर लगा मेरे को। सो गाइस जो लोग लिटिल होप को पीसी पर नहीं खेल सकते, डिटेंशन को एक बार जरूर से ट्राई करें, ये आपको काफ़ी ज़्यादा सिमिलर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा देगा लिटिल होप जैसा। सो गाइस अब बढ़ते हैं अपनी लिस्ट के आने वाले 9th नंबर के गेम की तरफ जिसका नाम है द क्वेस्ट। सो गाइस ये एक थर्ड पर्सन इंटरेक्टिव ड्रामा हॉरर गेम आपको देखने के लिए मिलेगा एंड गेम में आपको सिंगल प्लेयर मोड्स एंड मल्टीप्लेयर मोड्स दोनों देखने के लिए मिलेंगे। एंड गेम में हमारी जो मेन प्रोटैगनिस्ट होती है वो लॉरा किन एंड मैक्स ब्रिनले हैं। एंड गाइस गेम में हमारे एक पुलिस ऑफिसर होते हैं जिनका नाम है शेरिफ ट्रेविस हैकेट्स। एंड इस गेम में आपको 7 कैंप काउंसलर्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बिकॉज अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग भी बोर हो जाओगे। बट अगर गाइस आप इस गेम की स्टोरी को जानना चाहते हो या फिर उससे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ, आप अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो। एंड गाइस गेम में आपको लोकल एंड ऑनलाइन मल्टीप्लेयर फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। गेम में आपको 186 डिफरेंट एंडिंग्स भी देखने के लिए मिल जाएगी। एंड गाइस जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इस गेम के ऊपर मैंने स्टोरी की वीडियो बना रखी है, अगर आप चाहते हो कि इस गेम को ऊपर मैं टॉप 10 गेम्स की वीडियो बनाऊँ, वो भी मैंने ऑलरेडी बना रखी है, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, अगर आप उसको देखना चाहते हो तो देख सकते हो। तो गाइस अब बढ़ते हैं इसी के जैसा सिमिलर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा देने वाले गेम की तरफ, वो भी एंड्रॉइड पर जिसका नाम है सच अ डर ट्रू फियर। गाइस ये गेम आपको इजीली प्ले स्टोर पर मिल जाएगा एंड गेम की रेटिंग आपको 4.4 देखने के लिए मिलेगी एंड गेम का साइज आपको 134 MB देखने के लिए मिल जाएगा। इस अगर आप गेम में मैप को यूज़ करते हो तो आप फास्ट ट्रैवल कर सकते हो। एंड गाइस गेम में आपको अराउंड 20 पजल्स देखने के लिए मिल जाएगी। एंड गाइस गेम में आपको रियली सच में ट्रू फियर का एक्सपीरियंस होगा एंड ओप्रेसिव साइकोलॉजिकल एटमोसफेयर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी गाइस सच में मैं मजाक नहीं कर रहा, ये गेम भी काफ़ी ज़्यादा हॉरर है। बाकी आप लोग एक बार इसको ट्राई करना और मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये गेम कैसा है। सो गाइस ये थे रेजिडेंट एविल 3 जैसे टॉप 10 सिमिलर गेम्स फॉर बोथ एंड्रॉयड एंड पीसी यूजर्स। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो चलो यार गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।